हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन में, जहां पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक स्लीपिंग पिल्स अल्प्राजोलम के बारे में। हम जानेंगे कि अल्प्राजोलम क्या है, किस किस ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाती हैं, क्या इसके यूजेज हैं, किस स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में रहती हैं। साथ ही साथ वीडियो में हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर भी सीखेंगे एवं वीडियो के लास्ट में हम यह जानेंगे कि हमें क्या कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम आज सीखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो दवाओं की अधूरी जानकारी होती है वह काफ़ी घातक होती है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त किशन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अल्प्राजोलम एक बेंजोडाइजिपिन ग्रुप की दवा है, जो कि ज़्यादातर हमारे ब्रेन एवं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करता है। या आपको मार्केट में 0.25 मिलीग्राम, 0.5 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम एवं 2 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में मिल जाती है। अल्प्राजोलम आपका दवा का मूल एवं जेनरिक नाम है। अगर हम इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स की बात करें तो उसमें आपको अल्प्रेक्स टैबलेट, एक्सनेक्स टैबलेट एवं ट्रिका टैबलेट है। बट हो सकता है इन ब्रांड्स के अलावा किसी और ब्रांड नेम से आपकी एरिया में मिलते हो, क्योंकि जो दवाइयों का ब्रांड नेम होता है वह एरिया और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, बट जो दवा का मूल कंपोजिशन होगा वह आपको अल्प्राजोलम ही होगा। हम सीख लेते हैं दोस्तों इसके यूजेज के बारे में विस्तार से। तो यदि कोई व्यक्ति जिनको एनएक्सटी या फिर पैनिक डिसऑर्डर का प्रॉब्लम हो, अगर हम पैनिक डिसऑर्डर को सिंपल शब्दों में समझें, तो कोई व्यक्ति जिनको डर, चिंता, भय या फिर घबराहट हो रही हो, तो उसे ठीक करने के लिए आपको अल्प्राजोलम टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग आपको जब कोई व्यक्ति नशा छोड़ता है तो उस टाइम उसके शरीर टूटने लगता है, उसको नींद नहीं आती है, उसके अंदर हमेशा थकान बनी रहती है, तो उसे भी ठीक करने के लिए आपको अल्प्राजोलम टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग आपको ड्यूरिंग केमोथेरेपी के अंदर जब पेशेंट को वोमिटिंग होता है तो वहाँ से भी रोकने के लिए आपको अल्प्राजोलम टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। ओल्ड एज पर्सन में एक बीमारी होती है दोस्तों, जिसे हम एंसोमोन के नाम से जानते हैं, जिसमें ओल्ड एज पर्सन जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उसको नींद नहीं आती है, तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी आपको अल्प्राजोलम टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ यदि किसी कारणवश व्यक्ति जैसे डिप्रेशन हो गया हो, तनाव हो गया हो, तो उस वजह से व्यक्ति को जब नींद ना आ रहा हो, तब डॉक्टर वहाँ पर आपको अल्प्राजोलम टेबलेट का प्रयोग करते हैं। यह शेड्यूल एच की दवा होने के कारण केवल और केवल आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेना चाहिए, क्योंकि यह एक एडिक्शन मेडिसिन है। जब आप इसका प्रयोग लंबे समय तक करेंगे तो आप इसके एडिक्ट हो जाएंगे। हम अल्प्राजोलम टेबलेट के कॉमन डोज की बात करें एडल्ट्स के लिए, तो यदि कोई एडल्ट जिनको सामान्य ये सब प्रॉब्लम है, तो आप उसे 0.5 मिलीग्राम की एक टेबलेट दिन में एक बार प्रयोग में दे सकते हैं, या फिर अगर सीवियर कंडीशन है तो आप उसे 0.5 मिलीग्राम की एक टेबलेट सुबह में एक टेबलेट शाम भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर अगर आपके डॉक्टर ने आपको जिस मुताबिक प्रिस्क्राइब किया है आप उस तरह से इसका डोज एडजस्ट कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में हम सीख लेते हैं दोस्तों इसके वार्निंग्स के बारे में, कि हमें क्या कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। अगर हम वार्निंग्स की बात करें तो यदि कोई व्यक्ति जो कि अल्प्राजोलम टेबलेट से एलर्जिक हो या फिर इसके ग्रुप के किसी भी मेडिसिन से एलर्जिक रखता हो, तो उसे हम यह टेबलेट नहीं दे सकते। साथ ही साथ आप अल्कोहल के साथ अल्प्राजोलम टेबलेट का प्रयोग ना करें, नहीं तो यह कुछ घातक साबित हो सकता है। इसका प्रयोग करके आप ड्राइविंग ना करें, ड्राइविंग से ज़्यादा बचें। साथ ही साथ हैवी मशीन पर भी काम ना करें। अगर आप अल्प्राजोलम टेबलेट का प्रयोग प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कर रहे हैं, तो एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, नहीं तो यह बहुत घातक हो सकता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। और इसका प्रयोग आप विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन ना करें, नहीं तो यह एक एडिक्शन मेडिसिन है, तो जिसकी आपकी लत लग जाएगी। बट अगर आप लंबे समय तक अल्प्राजोलम टेबलेट का प्रयोग करते हैं तो आपको सेक्स से संबंधित समस्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यह था संपूर्ण डिटेल्स आपका अल्प्राजोलम टेबलेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका दोस्त किशन और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।